हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इंडिया चैनल। आप लोगों का टेक इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने लैपटॉप स्क्रीन या पीसी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों या कोई सॉन्ग सुन रहे हों, कोई वीडियो देख रहे हों, कोई इमेज हो, कोई स्लाइड हो, एवरीथिंग व्हिच आर रनिंग ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन, ऑन योर मोनिटर, ऑन योर पीसी मॉनिटर और एनी लैपटॉप मॉनिटर। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जाना पड़ेगा, आप किसी भी ब्राउज़र से नेट कनेक्ट करके जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आप इसमें गूगल इंटर करें। गूगल इंटर करने के बाद आपको इंटर करना होगा ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। ये सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा कि ये सॉफ्टवेयर आया है obsprojector.com, इसकी मेन साइट है। वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये बहुत पॉसिबल है ये अपनी स्क्रीन को इजीली रिकॉर्ड करना। तो आप देखना होगा कि आपका स्क्रीन किस चीज़ का है। ये विंडो चल रहा है या एप्पल का है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसका, या लिनक्स का है। यदि आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ये लिनक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल का कर रहे हैं तो यहाँ से एप्पल का कर सकते हैं, और विंडो कर रहे हैं तो यहाँ से आप विंडो कर सकते हैं। मोस्टली विंडो यूज़ करते हैं लोग। तो विंडो का आपने देखा होगा विंडो सेवन, विंडो 8, 8.1 एंड 10, ये सबको ये सपोर्ट करेगा। यहाँ से यहाँ पर आप डाउनलोड इंस्टॉलर करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल जो प्रोसेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे आएगा। ये 92.8 MB का फाइल है, यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने में दोस्तों मैं एक्चुअली किया हुआ हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बताने के लिए मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ। आप करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जाने के बाद वो आप इजली इंस्टॉल कर लें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक कमेंट में इसको मेंशन करेंगे, मैं 24 आवर के अंदर उसका रिप्लाई करूंगा। यहाँ पर जाने के बाद इस तरह का एक आइकन बन गया है OBS स्टूडियो का। आइकन बनने के बाद ये आइकन आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे, जिसे ओपन करेंगे तो इस तरह का ओपन होगा। तो मैं सबसे पहले कुछ बताना होगा रिकॉर्ड करने के लिए, आपको सीधे यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर जाएंगे तो आप सीन है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो एक्चुअली मेरा चल रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे सीन वन सीन टू चलेगा, ऐसे चलेगा। तो मैंने सीन वन कहा, जैसे जैसे अलग अलग फाइलें बढ़ती जाती है, सीन वन चल रहा है ये रिकॉर्ड हो जाता है, तो फिर करेंगे तो सीन टू आएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आई का निशान बना हुआ है, डिस्प्ले कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे जाएंगे प्लस में जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी, जैसे डिस्प्ले में कैप्चर कर रहा हूँ अभी, मेरे स्क्रीन पर पूरा डिस्प्ले जो भी आएगा वो कैप्चर होगा। तो इसे गेम के लिए अलग है, इमेज के लिए, स्लाइड शो के लिए, जो भी आपको करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। इजली क्लिक के बाद इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो दो सेटिंग यहाँ पे करनी होगी आपको। यहाँ उसके बाद आप यहाँ पे देखना आपने, जैसे यहाँ पे होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, मैं स्टॉप करूँगा, तो यहाँ पे स्टॉप है। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग कुछ मैं चीज़ बता रहा हूँ वो इजली कर सकते हैं। जनरल में जाएंगे तो ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। और इसमें आप देखिए ऐसे ही आप करिएगा जैसे मेरे स्क्रीन पर है, जो भी इसमें पूरा डॉट हटा दीजिएगा होता है तो यहाँ पर। इसके बाद ये नॉर्मल ऐसे रहेगा, पूरा स्क्रीन में देख सकते हैं आप। स्ट्रीम में भी कुछ नहीं करना है, जो कस्टम स्ट्रीम लुक करते हैं कोई जरूरत नहीं है उसके करने की। यहाँ सर्वर में आप कर सकते हैं, यूट्यूब जो भी आपको करना हो, कोई मैटर नहीं है ये सब। और ये सब जी है, इसमें कुछ करना नहीं है। आउटपुट में देखिए आप किस वीडियो बाइट्रेट की जरूरत है आपको, यहाँ से चेंज करते हैं। सॉफ्टवेयर इनकोडर की जरूरत है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग पाथ सी में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सी में हो रहा है, किस पाथ में रिकॉर्डिंग चल रही है आपको, तो सी में हो रहा है। यहाँ से आप ब्राउज करके डी में इमेज जिसमें चाहे उसमें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। यहाँ से रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, जैसे में VLV है, VLC है, जो भी फॉर्मेट में MP4 में आप जिसमें MKV में कर सकते हैं, जो भी आप VLC में कर रहा हूँ मैं। और ऑडियो का भी डिफरेंट सैम्पल है, जिस रेट से आप जिस हार्ड में चाहिए उस हार्ड में कर सकते हैं मैं, आप इजीली कर सकते हैं। चैनल स्टीरियो मोनो है, इसमें चेंज कर सकते हैं आपको ज़्यादा और डिटेल्स इसमें करना चाहें तो, कोई मैटर नहीं करता। वीडियो एक्चुअली मेरा एक्टिव है, देखिए आपने कहा वीडियो आउटपुट इज करेंटली एक्टिव, प्लीज़ टर्न ऑफ एनी आउटपुट टू चेंज वीडियो सेटिंग्स। तो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग आप जो रिजोल्यूशन चाहते हैं सेटिंग का
यहाँ से आप इस रेजोल्यूशन अपने हिसाब से रख सकते हैं, किस रेजोल्यूशन में आपको वीडियो बनाना है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग। और इसके बाद एडवांस में भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसमें नॉर्मल हाई है, अब है आइडल, जो भी आप प्रोसेस प्रायोरिटी पर दे सकते हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अप्लाई करके आप ओके कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर स्टॉप करने के बाद रिकॉर्डिंग कैसे सर्च करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में शो रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप यहाँ पर शो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इजिली, वहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर और भी सेटिंग्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही सेटिंग्स यहाँ पर आएगी और आप अपने स्क्रीन को इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली ये मेरा नया चैनल है, मैं बहुत कुछ ये डेडिकेट कर रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब को देखते हैं, सर्च करते हैं, मैं चाहता हूँ उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज आए, अच्छे से टेक्निकल नॉलेज हो उनको। मैं या इस अपने चैनल पर टेक्निकल ट्यूटोरियल्स, ट्रिक्स, लेक्चर्स डालूंगा, मोटिवेट करूंगा आप लोगों को, और एवरीथिंग जो भी चीज़ रिक्वायर्ड फॉर यू जो भी होगा मैं इस अपने चैनल पर डालूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और उसके बाद मैं आप लोगों को नए नए वीडियो, नए नए चीज़ें बनाऊँगा, मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, कि आप जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं जो भी दे सकता हूँ आप लोगों को दूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।